गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का हिंदी व्याकरण का टर्न है जिसमें मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा टॉपिक है लड़का और लड़की, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो बेटा, जो हमारे संसार में सभी प्राणी होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। दोनों भाग में एक को लड़का जाति के नाम से जाना जाता है, एक को लड़की की जाति के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मोर है वो क्या है, लड़का जाति है। बैल है, दादा है, राजा है, ये सब क्या है, लड़का जाति है। देखिए मोर, बैल, दादा, राजा, ये लड़का जाति में आते हैं। और मोरनी, गाय, दादी और रानी, ये क्या आते हैं, लड़की जाति में आते हैं। जिसको हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग जो होता है वो लड़की जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पुल्लिंग जो होता है वो लड़का जाति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, लड़का जाति के कुछ अन्य नाम, जैसे चूहा क्या हो गया, लड़का हो गया, और चूहिया क्या हो गई, लड़की। शेर पुल्लिंग हो गया और शेरनी स्त्रीलिंग। ठीक है, बंदर है, इसको लड़की जाति में बंदरिया बोलेंगे, बेटा को बेटी बोलेंगे, ऊँट को ऊँटनी, सेठ सेठानी, पति पत्नी, अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा, नौकर नौकरानी, ताऊ ताई। ताऊ क्या हो गया बेटा, पुल्लिंग, जिसको के लड़का कहा जाता है, और ताई कौन होगी, स्त्रीलिंग, जिसको क्या हम लोग लड़की के नाम से जानते हैं। गुड्डा गुड़िया, कवि कवित्री, वर वधू, वर बेटा जो दूल्हा होता है उसके लिए कहते हैं, और वधू जो दुल्हन होती है उसके लिए कहा जाता है। लेखक लेखिका, लेखक कौन होता है, जो हमारी किताबें कॉपी बुक सॉरी कॉपी नहीं किताबें पुस्तक वगैरह उनको जो लिखते हैं ना, उनको लेखक कहते हैं। और लेखिका जो स्त्रीलिंग में आती है, जैसे कोई भी अगर औरत उसको या लड़की उसको लिखेगी तो उसको क्या कहेंगे, लेखिका। माली मालिन, नौकर नौकरानी। ठीक है, इस तरीके से लड़का और लड़की जाति अलग अलग होती हैं। व्याकरण में लड़का जाति के शब्दों को पुल्लिंग और लड़की जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग हम लोग कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि स्त्रीलिंग लड़की जाति के लिए होता है और पुल्लिंग लड़का जाति के लिए होता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अगली क्लास में सेंड करूँगी। हैव अ नाइस।